पौरी के कॉलेज प्रांगण पर स्वर्गीय कैलाश वासी माधवराव सिंधिया की स्मृति में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा एवं युवा टीम के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया गया है। टूर्नामेंट का शुभारंभ 20 दिसंबर से किया गया, जिसका शनिवार को लीग मैच की समाप्ति हुई, जहां समाप्ति के दौरान मुख्य अतिथि बैराड़ उप निरीक्षक अरविंद चौहान सम्मिलित हुए, जहाँ सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों ने माँ सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मंच संचालन भरत सिंह धाकड़ एवं शिव कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया, जहाँ मैच में कमेंट्रिंग आकाशवाणी भोपाल के विकास यादव द्वारा की गई, जहां मुख्य अतिथि ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराया। समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त राज्य मंत्री सुपुत्र जीतू राठखेड़ा ने किया, जहां युवा टीम द्वारा टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण की व्यवस्था कराई गई, जिसका क्षेत्रवासी घर बैठे आनंद उठा रहे हैं। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज टूर्नामेंट के लीग मैच समाप्ति हो गए हैं, अब क्वार्टर फाइनल होंगे। फाइनल मुकाबले में कौन मुख्य अतिथि होने वाला है, क्या प्राइस रखी है और टूर्नामेंट की क्या कुछ जानकारी है? ये हम सबके चहेते स्वर्गवासी कैलाशवासी परम सिद्ध श्रीमंत माधव महाराज जी की स्मृति में यहाँ युवाओं की सोच के द्वारा ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का शुभारम्भ 20 तारीख से किया गया था और आने वाली 28 तारीख को इस टूर्नामेंट का एक महामुकाबला फाइनल के रूप में यहाँ के पौरी नगर विधानसभा के समस्त सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में देखा जाएगा। इस टूर्नामेंट में हम सबके चहेते जो युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और युवाओं के दिलों में बास करने वाले, ऐसे हमारे युवराज महाराज साहब खुद स्वयं इस पौरी की पावन धरा पर पधार रहे हैं और समस्त युवा साथियों में बड़ा ही जोश और उत्साह नज़र आ रहा है उनके स्वागत के लिए।